भरतपुर में 12 जुलाई 2023 को गैंगवार में हुई कुलदीप जगीना की हत्या में शामिल आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां तीन आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने कोर्ट में 5 आरोपियों को पेश किया। जुलाई की तारीख है और ठीक एक वर्ष पहले एक गैंग वॉर का घटनाक्रम भरतपुर जिले में हुआ था और इसी घटनाक्रम को मद्देनज़र रखते हुए लगातार 2 दिन से भरतपुर पुलिस सतर्क है। किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटनाक्रम को रोकने के उद्देश्य से लगातार 2 दिन जो है स्थानीय होटल, ढाबों, हॉस्टल्स और अन्य संवेदनशील और सस्पेक्टेड जगहें जो थीं उनकी तलाशी अभियान जो है वो हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया और साथ ही साथ जो आपराधिक तत्व हैं, जिन लोगों के बारे में सूचना प्राप्त थी, उनको भी जो है सर्च किया गया। लगातार जो है पुलिस की नज़र इस उद्देश्य से अलर्टनेस थी कि कोई घटना यहाँ पर ना हो। साथ ही साथ जो हाल ही में प्रकरण थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ था हत्या के षड्यंत्र का, उसमें जो अपराधी प्रोडक्शन वारंट पे पुलिस द्वारा लिए गए थे, आज उनको भी कोर्ट में पेश किया गया था। कुछ इनपुट्स पुलिस के पास में थे, इसलिए वहां पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सतपाल सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतपाल, कुलदीप जगीना हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट ने तीन आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ हत्याकांड की वजह रही, पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से सही एक साल पहले 12 जुलाई 2023 में एक गैंगवार हुई थी भरतपुर में टोल प्लाजा पर, जो कृपाल जगीना के मर्डर के जो आरोपी थे वो उनको पेशी पर लाया जा रहा था। कुलदीप जगीना और उसका एक साथीरा रोहित असवाल, इन आरोपियों को यहाँ भरतपुर लाया जा रहा था, तो वहां पर टोल प्लाजा पर गैंगवार कर कुलदीप जगीना की हत्या कर दी गई थी। आज उनके जो आरोपी थे, कुलदीप जगीना के जो हत्या के आरोपी थे, उनको आज कोर्ट में पेश किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 दिन पहले भी पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर कुछ आरोपियों को जेल से लेकर आई थी, क्योंकि इनमें आरोपियों द्वारा फिर जेल के अंदर से ही एक गैंगवार की साजिश रची जा रही थी। एसपी ने इस बात का खुलासा करते हुए और प्रोटेक्शन वारंट पर अजमेर जेल से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जो कुलदीप जगीना था उसकी हत्या की आरोपी आज कोर्ट में फाइल पेशी थी। दोबारा ऐसी घटना ना हो जो एक साल पहले हुई थी, इसको देखते हुए पुलिस ने भरतपुर के सभी और जो होटल, धर्मशाला, जो संदिग्ध जगह थी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, वहां पर तलाशी वगैरह ली गई थी। उसके बाद आज कोर्ट परिसर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर दिया था और उन आरोपियों को कोर्ट में पेशेवर पेश किया, पहुंचाया गया था और आज जो पुलिस ने उन आरोपियों को 3 दिन का रिमांड पर लिया है और पूछताछ जारी है। जी आकांक्षा, सतपाल वहीं आगे क्या कुछ कार्यवाही इस पूरे मामले में हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पुलिस ने अब उनको 3 दिन के रिमांड पर लिया है और उनसे जो आप पूछताछ करेगी 3 दिन में, उसके बाद जो आप धरोहर पुलिस क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज से ठीक एक साल पहले कुलदीप जगीना हत्याकांड हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।